मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणमूल्य फार्म्स में। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं आज क्या खा रही हूँ, तो ये है हमारे पहाड़ों की स्पेशलिटी गलगल का खट्टा। तो खट्टे का नाम सुन के आपके मुंह में पानी तो जरूर ही आ गया होगा। तो इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी लाजवाब है कि मेरे जो टेस्ट ग्लैंड्स है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए हैं। तो मैं तो खाऊंगी खट्टा और साथ में आप लोग देखिए कि ट्रेडिशनल स्टाइल में हम जो गलगल का खट्टा कैसे बनाते हैं। और अगर इसका प्रोसेस देखते देखते आपके टेस्ट ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टेस्ट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। चुके हैं सिट्रन यानी गलगल के पेड़ के पास। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ 3 से 4 फ्रूट्स ही बचे हैं, बाकी सारे जो है खत्म हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जरा लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में। तो जो ये फ्रूट है इसको खाया जाता है दिसंबर और जनवरी के मंथ में, अभी फरवरी में भी खाया जाता है लेकिन फरवरी तक जो है ये खत्म हो चुका है। जितने भी गलगल के शौकीन थे वो सारे अपने साथ ले गए हैं और हमारे लिए बचे हैं सिर्फ 3 से 4 फ्रूट्स, वो भी मेरी हाइट से जो है कुछ ज़्यादा ही ऊपर लगे हैं। तो मेरे हाथ तो वहाँ तक पहुँचने से रहा, तो मैं जो है एक डंडे की हेल्प से जो है उस फ्रूट को निकालने की कोशिश करूँगी। आई होप जो है भगवान मेरा साथ दे और मुझे जो है फ्रूट जल्दी मिल जाए। तो चलो ट्राई करते हैं डंडे की हेल्प से फ्रूट को निकालने की। तो ये मैंने पकड़ लिया है डंडा अपने हाथ में और मैं ट्राई करूँगी फ्रूट को निकालने की। तो जो ये डंडा है ये भी बहुत ही काम की होता है। तो जो है ये इन डंडों को इस तरह से जो है वी शेप में बनाया जाता है ताकि जो है प्लांट्स को सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के डंडे रखे हैं जो सूखे हुए हैं ताकि जब भी ये जो हमारे अनार वगैरह होते हैं तो उनको सपोर्ट के लिए जो है ये डंडे चाहिए होते हैं। तो इनकी इसकी हेल्प से जो है मैं एक फ्रूट निकालने की कोशिश करती हूँ। प्लीज भगवान एक फ्रूट तो दे दो। अरे वाह, मुझे एक फ्रूट मिल गया, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे जो है एक फ्रूट मिल गया। तो चलो बनाते हैं गलगल का खट्टा और साथ में कलेक्ट करते हैं बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो। तो इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है धनिया और पुदीना जो कि हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलो उन्हें भी कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं गलगल का खट्टा ट्रेडिशनल स्टाइल से। अभी मैं पहुंच चुकी हमारे खेत में और यहां से मैं ले जाऊंगी धनिया अपने गलगल में डालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं धनिया और गलगल में डालते हैं। तो मैं निकालूंगी धनिया। तो आप देख सकते हो जो है ये यहां पे धनिया इतनी खिल के बाहर नहीं आई हुई है क्योंकि आजकल यहां पे सर्दियां हैं और सर्दियों में ओस पड़ती है रात को, तो जो धनिया की ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा हुई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात में जो ये पूरे की पूरी फील्ड है ना ये पूरी भर जाती है धनिया के साथ। तो इतनी धनिया काफ़ी है हमारे गलगल के लिए। जो धनिया है ना उसकी खुशबू लाजवाब होती है और ये किसी भी सब्जी में 4 चांद लगा सकती है। तो जो गलगल का खट्टा है ना उसके टेस्ट में भी ये 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ से धनिया ले जाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गलगल के खट्टे में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पुदीने की ओर और ले चलते हैं पुदीना अपने साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के पास जो कि है पुदीना। तो यहाँ पे हमने पुदीना लगा रखा है अपने घर की आंगन में। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पुदीना लेके जाऊंगी और हमारे जो गलगल का खट्टा है उसमें डालूंगी। Thank you.
ये है गलगल और यहाँ पे हमने चटनी बना के रख दी है। तो अब हम गलगल काटना स्टार्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा मोटा मोटा काटते हैं क्योंकि जो इसके ये है ताकि इसका जो रस है वो थोड़ा बाहर निकल सके, तो थोड़ा मोटा मोटा। अभी फरवरी का महीना है और इसको एक्चुअली खाने का जो टाइम होता है वो होता है दिसंबर जनवरी, तो हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। अब तो फ्रूट भी खत्म हो गए हैं हमारे पेड़ के सारे के सारे। बीज है हम निकाल लेंगे साइड में, ये बीज जो है कड़वा कर देते हैं पूरा कपड़ा, इसलिए बीज को पहले ही निकाल। और जो ये इसकी ये है ना, ये निकल के बाहर आनी चाहिए क्योंकि इसी को खाने में मजा आता है। इनको हम ऐसे निकालेंगे। बनाना है ये थोड़ा मेहनत का काम है इसमें, क्योंकि हर एक उसको जो है अलग अलग करके आपको डालना पड़ता है। अगर आप नॉर्मली इसको काट के डालोगे तो खाने में इतना मजा नहीं आता है जितना अभी जैसे मैं इसकी अलग अलग कर रही हूँ वैसे करके मजा आता है। तो थोड़ा मेहनत का काम है और इसको करते करते तो मेरे तो मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा टेम्प्टिंग है। इसको हमने गर्म किया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। सारे टेस्ट ग्लैंड्स जो है मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं। इसमें हमने जो नमक मिर्च मीठा और साथ में जो ये गलगल है इसका जो खट्टा है ना, खटास जो है वो पूरा का पूरा हर एक टेस्ट को जो है एक्टिवेट कर रहा है। तो सारे के सारे टेस्ट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो चुके हैं इस टाइम पे। उनको बहुत मजा आ गया ये खा के। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में सर्दियों में गलगल का खट्टा खाना तो जरूरी ही है। हर घर में जो है गलगल का खट्टा बनाया जाता है। तो अगर आपको भी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मैं मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।